नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाली संस्था एडीआर के सामने आई रिपोर्ट में बिहार सरकार के 72% मंत्रियों के किसी न किसी आपराधिक मामले में आरोपी होने की जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक महागठबंधन सरकार के 23 मंत्रियों पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, जिनमें से 17 पर गंभीर क्रिमिनल मामले दर्ज हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बिहार की महागठबंधन सरकार में दागियों का बोलबाला। 72% मंत्रियों का है दागी चरित्र। 17 पर गंभीर आपराधिक केस है दर्ज। एडीआर की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी महागठबंधन सरकार में विधि मंत्री कार्तिक सिंह के एक अपहरण मामले में वारंटी होने की खबर सामने आने के बाद राजनीति गर्मा गई है। तो इसी बीच चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाली संस्था एडीआर की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें सरकार के 72% मंत्रियों के किसी न किसी आपराधिक मामले में आरोपित होने की जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक महागठबंधन सरकार के कुल 23 मंत्रियों पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, और तो और इनमें से 17 पर तो गंभीर क्रिमिनल मामले भी दर्ज हैं। दरअसल एडीआर की ये रिपोर्ट चुनाव आयोग को विधानसभा या विधान परिषद चुनाव के वक्त उम्मीदवार के दिए गए शपथ पत्र के आधार पर एडीआर की रिपोर्ट तैयार की गई है। तो वहीं बिहार में मौजूदा विपक्षी पार्टी बीजेपी यहां की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़ा कर रही है। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार में बनाए गए मंत्रियों के एडीआर रिपोर्ट में दर्ज क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि ये जानकारी एडीआर की रिपोर्ट के आधार पर दी जा रही है, और ये भी संभव हो सकता है कि इस रिपोर्ट में दर्ज कुछ केस अब खत्म हो चुके हों। सबसे पहले हम बात करेंगे जमा खान के बारे में, जो कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा सीट से बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद पाला बदलकर जेडीयू में शामिल हो गए। जिला मुख्यालय बबुआ के अलग अलग थानों में उन पर 3 केस दर्ज हैं। तो वहीं दरभंगा के बहादुरपुर सीट से जेडीयू विधायक मदन सहनी पर बहादुरपुर और घनश्यामपुर थाना में 1-1 केस दर्ज है। तो उधर जेडीयू कोटे से मंत्री बनाए गए संजय झा पर 2 केस दर्ज है, और बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह के करीबी एमएलसी कार्तिकेय सिंह पर कुल 4 मुकदमे दर्ज हैं। दरभंगा ग्रामीण सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीते ललित सिंह पर पटना में 1 केस दर्ज है। तो फतुहा से आरजेडी विधायक रामनंद यादव पर पटना में 3 और जहानाबाद में 1 केस दर्ज है, और गया के बेलागंज से आरजेडी के विधायक सुरेंद्र यादव पर कुल 9 केस दर्ज है। समस्तीपुर के उजियारपुर से आरजेडी विधायक आलोक कुमार मेहता पर 3 केस दर्ज हैं। बोधगया सुरक्षित क्षेत्र से आरजेडी के विधायक पर पटना में 1 केस दर्ज है, और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे और कैमूर के रामगढ़ से पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह की बात करें तो उन पर 2 मुकदमे दर्ज हैं। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के बड़े बेटे और हसनपुर से आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव पर 5 केस दर्ज हैं। इसमें एक पत्नी का दहेज से जुड़ा मामला है। तो वहीं सारण के मढौरा से आरजेडी विधायक जितेंद्र कुमार राय पर 5 मुकदमे दर्ज हैं, जो पहली बार मंत्री बने हैं। जिला अररिया के जोकीहाट से एआईएमआईएम के टिकट पर जीत के बाद हाल ही में आरजेडी में शामिल होने वाले शहनवाज पर 1 केस दर्ज है। तो मधेपुरा से आरजेडी विधायक चंद्रशेखर पर 3 केस दर्ज है। छपरा के गरखा से आरजेडी विधायक सुरेंद्र राम पर दिगवारा थाना में 4 मुकदमे दर्ज हैं। नोखा से आरजेडी की विधायक अनीता देवी पर 1 केस दर्ज है, और मुजफ्फरपुर के काटी से आरजेडी के विधायक मोहम्मद इजराइल मंसूरी 2 मामले में आरोपी हैं। रोहतास के चेनारी सीट से आरजेडी के विधायक
मुरारी गौतम पर एक केस दर्ज है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन पर औरंगाबाद में एक केस दर्ज है। जमुई के चकाई से निर्दलीय विधायक सुमित सिंह पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के बेटे हैं, उन पर एक केस दर्ज है। तो ये थी महागठबंधन के दागी मंत्रियों की लिस्ट। फिलहाल देखना ये होगा कि बिहार की महागठबंधन की सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी उतरती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।